Hello, welcome back to my channel on Environment. So today I'm going to show you how to change eyes color in Photoshop CC 2019 latest version. So video बहुत interesting होने वाला है क्योंकि इसमें मैं 2 मिनट का वीडियो डालने वाला हूँ. 3 step में complete होने वाला है. So let's get to start. So हम लोग के पास एक picture है. So उसमें हम लोग use and saturation पे जाएंगे और control U भी कर सकते हैं. control U करके shortcut ले सकते हैं. उसके बाद हम लोग को कौन सा कलर चाहिए हम लोग ऊपर एडजस्टमेंट में जाके एडजस्ट कर सकते हैं. कोई भी कलर चाहिए एडजस्ट कर सकते हैं. इसमें सिर्फ कलर ही चूज करना है बस उतना ही. सो इसके बाद फर्स्ट स्टेप ये हुआ. सेकेंड स्टेप दूसरा हम करेंगे उसको इन्वर्ट करेंगे. उसका शॉर्टकट भी कंट्रोल आई है. सो मैं विंडो पे जा रही है एक पिक्चर में जा रहा हूँ. एडजस्टमेंट में जाना है हम लोग को. इन्वर्ट में जाना है. उसके बाद एडजस्टमेंट इन्वर्ट. इन्वर्ट का मीनिंग मतलब क्या है. इन्वर्ट हम लोग बोल सकते हैं एक लेयर है लेकिन वो लेयर पे दिखेगा नहीं. जब हम लोग उस पर कुछ करेंगे तो उस टाइम पे दिखाई देगा. मतलब बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे रह जाता है वो. इन्वर्ट मतलब फोरग्राउंड पे रहता है वो. होने के बाद पिक्चर में कलर नहीं दिखाई दे रहा है. सो उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप है. अभी सेकेंड स्टेप हम लोग को ब्रश टूल सेलेक्शन करना है. ब्रश टूल सेलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेते हैं. साइज कम करने से अच्छा रहेगा क्योंकि आइज बहुत छोटा है. सो उसमें हम लोग को पेंट करना पड़ेगा. जैसे हम लोग पेंट करेंगे कलर अपने आप दिख जाएगा. मैं यही बोल रहा था आप लोग को इन्वर्ट मतलब. सो पेंट करेंगे सिर्फ जस्ट पेंट करेंगे. देख लीजिए स्लोली आप लोग को थोड़ा टाइम लेके करना लीजिए. उसके बाद अभी कलर देख लीजिए एक ही कलर है. सो थोड़ा सा इसमें कुछ रह गया है. तो उसके बाद मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे कलर्स पे जाने वाला हूँ. कलर्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ. ब्राइट भी एडजस्ट कर. अभी देख लीजिए सैचुरेशन ऑन ऑफ करने से पता चल जाएगा कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ है. देख लीजिए अभी मैं सैचुरेशन ऑफ किया है ऑन हो जाएगा. हाइड किया है. देख लीजिए कलर कैसा था. मतलब रेड लाइट रेड है. अभी हम लोग कलर चेंज करेंगे यहाँ से. देख लीजिए यहाँ पे अभी कलर चेंज हो रहा है. सो इसमें फायदे है आप कोई भी कलर ले सकते हैं. एक ही बार पेंट करने के बाद कोई भी कलर ले सकते हैं. सो इसमें देख लीजिए आप लोग को कैसा लगता है कौन सा कलर अच्छा लगेगा वही डाल सकते हैं. सो उसके बाद मैं थोड़ा सा कलर येलो ले रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड पे येलो है. येलो ही है. सो